जो घटनाएं इर्द गिर्द घटती है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके गाने में करना है कि स्वर स्वामी ओल्ड और स्वर स्वामी ऑफिशियल न्यू इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हूं। ये आवाज को अगर आपको इमिटेट करना है तो आपको आवाज की रखावट इस दिशा में इतनी फ्रीक्वेंसी रख के थ्रो इंटरनल साइड में मतलब अंदर के साइड में थ्रो रखना पड़ेगा तो ही आप यहां पे पहुंच सकोगे। ये चीज आपको इसमें समझ में नहीं आ रही है ना, इसके लिए हम लोग जब वर्कशॉप करते हैं तो सामने बैठ के ये चीज समझने की कोशिश करो कि ये क्या है, ये कैसा होता है। जैसे साजा बाबा रे राजा बाबा रे दे पवरे दा निजारे रे सारे निजा बाजा नी पानी मानी ने पा बाबा रे रे बाबा रे दा रे बाबा दा निजा रे सारे निजा बाने दा नी बाजा नी पानी ने पा बाबा तारे बाबा तारे मामा तारे निजा नी बाबा निजा रे तारे सामा रे तानी जाने रे अरे दा रे पानी रे दा बाजा नी रे बाजा रे नी परे निजा परे दा नी सारे बाबा रे बाबा सामा बाबा तारे बा तारे बा ये जो चीज चल रही है ये आपको बार 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 ऊपर आवाज कितनी है। अच्छा नोटेशन की रियाज अलग है, इसका गले से कोई संबंध नहीं है। नोटेशन की रियाज आप शांति से भी कर सकते हो कि अच्छा ये नोटेशन की रियाज है। जैसे चार भाई एक रूम में बैठिए, एक ही रूम है, एग्जाम सबकी है, परसों पेपर है और पढ़ाई करना है तो अपने अपने दिल में पढ़ना चाहिए, बराबर है। दिल में अगर पढ़ते हो तो मैटर चेंज नहीं होता है, शब्द नहीं बदलते। अच्छा लेसन नंबर टू लेसन थ्री हो गया दिल में पढ़ने से, ऐसा नहीं होता। डायवर्जन हो सकता है, इधर उधर पोहा बनाया है कुछ तो बनाया बढ़िया लहसुन की तरकारी बनाई है, ऐसा ये हो सकता है। लेकिन आपका अगर कंसंट्रेशन वहां रहता है ना तो वो चीज अक्षर वही रहते कि कल रात 9 बजे इसकी घटना की पुनरावृत्ति होने वाली है। अब वो लिखा जो मैटर है कल रात 9 बजे ये घटना की पुनरावृत्ति, कब तक ये तुम करते रहोगे, कुछ अर्थ नहीं लग रहा है इसमें। क्यों? ध्यान इधर चला गया। फिर देख रहे हो पहली लाइन पढ़ रहा है, फिर बार बार दो तीन लाइन पढ़ेगा, फिर दूसरी लाइन पे आ रहा है, फिर तीसरी लाइन पे आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बाकी पढ़ रहे हैं ध्यान उधर है, वो पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। मैं तो पढ़ रहा हूं, एक किस्सा शेयर करता हूं। मैं रात में जब मेरा 12वीं का समय था तो मैं सब टेबल लैंप लगा के गच्ची पे बैठा था, बड़ी प्लानिंग तो होती थी, बड़ा काम कम होता था, प्लानिंग ज्यादा होती थी। बड़े बैठे ऐसे, आज तो बढ़िया बैठेगी, ठंड के दिन भी थे थोड़े से, मतलब गर्मी के दिन तो ऐसा मार्च वार्च की ठंडी थी, मतलब वो मतलब चाल वाल ओढ़ के ऐसे बैठे बस सब पढ़ाई करेंगे ऐसा। 5 मिनट के बाद में ऐसा धीरे धीरे फिर पानी पियेंगे तब और कुछ सारा सुपारी सोप वोप होंगे वो खाएंगे, अभी पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया पढ़ना है, क्या बात है। फिर धीरे से ऐसा वो सामने वाले के घर में भी वो लाइट चलते रहता है, वो भी गच्ची पर बैठा रहता, वो हमको देखते रहता, हम उसको देखते रहते। तो आगे बाद में वो देखता, वो भी हमको देखते थे, अच्छा वो पढ़ रहा है, चलो ठीक है, चलो बढ़िया। फिर अगर चार एक पेज भी नहीं पढ़ा, डायवर्सन, 11 के 12 बज गए, 12 के 12:30 बज गए, 12:30 का 1 बज गया, उसका भी लाइट चालू है, इसका भी लाइट चालू है, पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही, लाइट देखने में टाइम जा रहा है और ध्यान में कुछ भी नहीं आ रहा। फिर 2:30-3 बजे चलो यार चाय पी के आते हैं, बढ़िया चाय पियेंगे बस, फिर निकलते। फिर उसका दोस्त चलते चाय पीने, चलो सर निकले, चाय पीने में 4:30 बजे टाइम चला गया, पढ़ना कितना हुआ कुछ नहीं, पर यही कॉम्पिटिशन लगे कि उसका लाइट जब तक बंद नहीं होता तब तक मेरा लाइट चालू रहना चाहिए। ये भी चीज मत कीजिए, हमने बहुत कुछ कर लिए, अब उसका अनुभव जो आ रहा है तो हमारे बच्चों को बोलते हैं ये सब नाटक हमने किए, फालतू सारा, खुद पे हंसना आता है कि क्या बेल बॉटम पहनते थे इतने लंबे लंबे, क्या लाइट लेके बैठते थे, खुद के फोटो आप देखो तुम 20-25 साल पहले के, ऐसा लगता है कि कितने बेवकूफ थे हम, यूं बचके हुए थे, ऐसे बालते ऐसे बालते, सब चीजें देखो, सबका आनंद लो, सब सीखो, क्योंकि उसका ही प्रयोग आपको गाने में करना है। जो घटनाएं इर्द गिर्द घटती है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके गाने में करना है कि सारे धारे मामा रे धारे धारे मामा रे 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 धारे
सारे मप रे मापनी मापनी सा सारे मप रे मापनी मापनी सा पसा निसा पसा निसा पसा निसा पसा निसा परे जारे परे जारे परे जारे परे सामरे सारे रे 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 पंछी उतर गया नीचे पानी पानी सा पानी पानी सा पसा सा परे रे मामा पा पापा मामा पापा मामा पापा मा पापा मा पापा मा पापा माने। ये सोच अपने गाने में जब लाओगे तो गाने को अर्थ प्राप्त होगा। वही एक टेंशन रट्टा मार के सारे 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 भवन से 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 ताल भी नहीं घूम रही पट्टा सारे मारे था सारे बाबा मारे था सारे बाबा नहीं सारे सामा रे मारे पा मापा मानी पानी पसा निशा नी रे सारे निशा पसा नी पानी मानी नी पा मापा था नी रे सारे सा सा निशा पानी नी पा मापा रे मापा रे मारे नी पा मापा था नी रे सारे निशा पानी मापा रे मार सारे निशा रे सारे रे सारे रे सारे रे रे मामा रे पा पापा रे मामा रे नी नी रे मामा रे सा सा रे 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 सा सा नी नी रे पापा रे मामा सारे निशा पापा नी सारे रे पापा नी सारे रे पापा नी सारे रे पापा नी सारे रे पापा नी सारे पापा नी सारे रे रे मामा पापा नया 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 कुछ कर सकते हो। उसके लिए दिमाग में वो कल्पना आनी चाहिए। कल्पना को सुरों के माध्यम से बीट के हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप अपने गाने का आनंद जब तक खुद नहीं लेते तब तक दूसरे को आनंद दे भी नहीं सकते। अब आपको लगना चाहिए कि मैं तो ऐसे भी लेके बैठा और आनंद लेना चाहिए क्यों कैसे जमा जमा के नहीं कुछ गायक देखो मैंने भी देखा कुछ गाना हुआ हारमोनियम के मतलब देखे फिर फिर वो उसी में लग रहे थे क्यों जमा की नहीं क्यों जमा की नहीं क्या करना है तुमको तुम्हारा जमा नहीं जमा वो तो हम सारे पद मग सा सारे बाप सारे मग सारे नीरे मद ध प ग म रे मग सारे सद ध म द नी रे 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 ग रे रे ग रे रे ग रे रे ग सोचो ना क्या फर्क पड़ रहा है।